लोकसभा चुनाव तारीखों की घोषणा के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में लगातार चुनावी रैलियों और सम्मेलनों को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशियों और पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे गोरक्षपीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित शिक्षक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुरुआत किया। इस अवसर पर महाविद्यालय की छात्राओं ने राष्ट्रगान की प्रस्तुति दी, साथ ही शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को माला पहना कर उनका स्वागत किया। शिक्षक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक सबसे पहले विशेष तबके का है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम देश के 130 करोड़ की जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, हम कोई तुष्टिकरण नहीं कर रहे हैं। किसानों हो, मजदूर हो, युवा हो, सब एक मत से कह रहे हैं कि मोदी को एक अवसर और मिले। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब चुनाव नज़दीक आ रहा है तो आप घोषणा कर रहे हैं। आज़ादी के 70 सालों में 50 साल से अधिक राज करने वाली कांग्रेस ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। देश की हर कार्य योजना को प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश का हर नागरिक का हक है। देश में विपक्ष ने एजेंडा तय कर दिया है, जो भी देश के लिए काम करेगा उसका विरोध कर रहे हैं। पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि जब हमारी सेना ने स्ट्राइक किया तो विपक्ष इस पर सबूत मांग रहा है। मिशन शक्ति के रूप में भारत ने जो मुकाम हासिल किया है उस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रही है। आज़ादी के बाद गरीबी हटाओ की बात नेहरू जी ने की थी, इंदिरा गांधी ने 10 वर्षों तक गरीबों की बात नहीं की और कोई काम नहीं किया, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने 5 करोड़ लोगों को घर दिया, 9 करोड़ लोगों को शौचालय दिया, किसानों को न्यूनतम फसल बीमा दिया, गरीबों को स्वास्थ्य बीमा योजना दी, करोड़ों नौजवानों को स्किल योजना का लाभ मिला, वायु सेवा शुरू हो गई, 2 वर्ष में हमने वायु सेवा की शुरुआत किया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कार्यशैली से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। शिक्षक सम्मेलन में महाविद्यालय से संबंधित आचार्य और प्राचार्यों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव में तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिक्षक की भूमिका उससे बहुत सुंदर बनने की होती है, जिस प्रकार से कुमार एक
है, शिक्षक का गुरुतर दायित्व है कि हम शिक्षार्थी को किस तरह से लड़े कि समाज हमारा उन्नतिशील हो सके। दुर्भाग्य से जो पिछली सरकारें हमारे देश की, उन्होंने शिक्षा को शून्य कर दिया था। शिक्षा के जो केंद्र थे वो डिग्री बांटने के केंद्र बन चुके थे, नकल को पूरी तरह से बढ़ावा दिया गया था और भ्रष्टाचार को नस नस में भर कर गया था। जातिवाद का जो विषय है वो हमारे समझ में समाज में फैल चुकी थी, समाज को तबाह कर रही थी और देश के भविष्य को तो हमारे जय के अंदर खुल गया है। जब उसके बगल से गुजरिए तो अपने आप को
लेकिन विदुर खड़ा हुआ, विदुर ने माता डाल नहीं ली। एक बात बड़ी स्पष्टता के साथ कही कि तिहाई दोषी अपराधी, तिहाई दोषी उनके सहयोगी और तिहाई दोषी जो मौन बने हुए थे। मुझे लगता है कि समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर घटित होने वाली किसी भी घटना और जिसका तात्कालिक या दूरगामी परिणाम देश और समाज के प्रतिकूल होने जा रहा है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी उस देश का कोई नागरिक उस पर मौन रहता है, उन षड्यंत्रों में शामिल रहता है या उन षड्यंत्रों का स्वयं का हिस्सा बना हुआ है, ये सब बराबर के दोषी माने जाते हैं। मुझे लगता है कि आजादी के बाद से लेकर के जिस भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए देश के हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो सपना देखा था, वे सपने आजादी के 70 वर्ष के इस कालखंड के दौरान, आखिर बीच का एक ऐसा कालखंड क्यों आया जब इस देश में घोर निराशा थी, अविश्वास का वातावरण था। देश के अंदर जिस देश ने 1947 में आजादी प्राप्त की, आजादी के बाद भाषाई आंदोलन शुरू हुए, क्षेत्रीय आंदोलन शुरू हुए, इस देश के अंदर बहुत सारे क्षेत्रों में आजादी के 2 दशक के अंदर ही नक्सली हिंसा प्रारंभ होने लगी, अलगाववादी संगठन से उठाने प्रारंभ कर दिए, और 2014 आते आते देश का वन एक तिहाई भारत नक्सलवाद की चपेट में आ गया, अलगाववादी हिंसा की चपेट में आ गया। देश के अंदर व्यापक बेरोजगारी, व्यापक महंगाई से आम जन तबाह था। भारत जैसी भूमि पर जो दुनिया का सबसे अच्छा जल संसाधन और कृषि की उपयुक्त भूमि है, इस भूमि पर किसानों ने व्यापक पैमाने पर आत्महत्याएं शुरू की। भारत से व्यापक पैमाने पर प्रतिभाओं का पलायन प्रारंभ हुआ, ये सब दृश्य हम सबके सामने थे। दुनिया का अदना सा देश भी भारत को आंख दिखाने लग गया था, और चीन की जब मर्जी आती थी तब चीन भारत की सीमा में घुसता था, पाकिस्तान की जब मर्जी आती थी हमारे सैनिकों के सिर काट करके लेके जाता था, और हम केवल देखेंगे और देख रहे हैं ये कह करके रह जाते थे, और इन्हीं आश्वासनों पर देश चल रहा था। हमने देश की योजनाओं को केंद्र बिंदु किसको बनाया था, याद करिए देश के अंदर देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के वक्तव्यों को। एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम देश के अंदर 100 रुपया बेचते हैं लेकिन वह जमीन पर केवल 80 रुपया पहुंचता है। प्रधानमंत्री देश का कार्यपालिका का सर्वोच्च प्रमुख होता है, वह लाचार भी दिखाता है, कुछ नहीं कर पाते, और एक प्रधानमंत्री के मुंह से फिर एक शब्द निकल पड़ा था, आपने देखा होगा इस देश के अंदर 2004 से 2014 तक कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए की सरकार और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार इसका, यानी हमारी योजनाओं का केंद्र में तो या तो कोई परिवार था, या कोई व्यक्ति था, या फिर कोई वर्ग विशेष था। देश के अंदर कोई भी ऐसा नहीं जब इस देश के अंदर व्यापक पैमाने पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार होते रहे हो, कोई ऐसा स्थल नहीं था, देश के संसाधनों पर लूट खसोट मची हुई थी, देश में व्यापक निराशा थी, अराजकता का से वातावरण था, और यह भी दृश्य देखने को मिल रहा था जब देश के लोगों को लग रहा था
कि लगता है कि देश के लोकतंत्र के दिन समाप्त हो रहा है। देश कहां जा रहा है? लोकतंत्र पर लोगों की आस्था अनास्था में बदल रही है। और उन परिस्थितियों में मई 2014 में देश के अंदर प्रधानमंत्री पद की शपथ गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी। मोदी जी का नाम था। गुजरात ने उनके कार्यकाल के तीन सफलतम कार्यकाल को गुजरात के अंदर देखा। संगठन ने उनकी कार्य पद्धति को देखा। जिन्होंने उनकी कार्य पद्धति को देखा था वे जानते थे मोदी जी कर देंगे। जिन्होंने गुजरात में उनकी कार्य पद्धति को देखा था उन्हें विश्वास था। लेकिन शेष देश गुजरात की आबादी 6 करोड़ की जनता जानती थी कि हमारा नेता देश के अंदर बहुत अच्छा कार्य करेगा। भारतीय जनता पार्टी संगठन का कार्यकर्ता है, हमारा विचार व्यवहार का कार्यकर्ता है, जानता था मोदी जी अच्छा कार्य करेंगे। लेकिन बाकी से 125 करोड़ भारतीय इस विश्वास पर मोदी जी को अपना समर्थन दिए। अगर गुजरात विश्वास कर रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी विश्वास कर रही है, तो हम भी विश्वास करेंगे। और याद करें 26 मई 2014 की होती थी जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद देश का प्रधानमंत्री इस बात को कहता है कि हमारी सरकार इस देश के अंदर किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी जाति, किसी मत और मजहब को आधार नहीं बनाएगी, बल्कि हमारी योजनाओं का लाभ या शासन का केंद्र में तो कौन होगा? गांव होगा, गरीब होगा, किसान होगा, वंचित होगा, नौजवान होगा, महिलाएं होंगी और समाज का प्रत्येक तबका उन योजनाओं में भागीदार बनेगा। हम योजनाओं को इस देश की 130 करोड़ की जनता को ध्यान में रखकर की योजनाएं बनाएंगे, लेकिन योजनाओं के नाम पर कोई पुष्टिकरण देश के अंदर नहीं चलने देंगे। इस स्पष्टता के साथ आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हुए कहता है। और इस दौरान इन 5 वर्षों के कार्यकाल को आपने देखा होगा। इन 5 वर्षों में भारत कहां से कहां तक पहुंचा है, भारत की इस यात्रा को आपने देखा होगा। पूरे देश के अंदर 5 वर्ष का कार्यकाल बहुत बड़ा कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन राजनीति में एक व्यक्ति जनप्रतिनिधि चुना जाता है। एक कार्यकाल के बाद जनता फिर कहती है कि अब इसको हटाओ। अगर वह कार्य नहीं करता है, सक्रिय नहीं है, जनता की सुख-दुख में सहभागी नहीं है, जन समस्याओं के प्रति सचेत नहीं है, तो मांग उठने लगती है कि अब इससे मुक्ति दो। पहली बार आपको लग रहा होगा देश के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, महिला हो, पुरुष हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, शिक्षक हो, चिकित्सक हो, अधिवक्ता हो, किसान हो, मजदूर हो, जीवन के किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति हो, हर एक के मुंह से एक शब्द निकल रहा है कि मोदी जी को एक अवसर फिर से मिलना चाहिए। और यह देश के विश्वास का भाव देश के अंदर देखने को मिला। और विश्वास का भाव ऐसे ही नहीं मिला, विश्वास का भाव अचानक नहीं आया। विश्वास के भाव के लिए उस प्रकार का परिश्रम, उस प्रकार का पुरस्कार, उस प्रकार की नीतियों को ईमानदारी के साथ अमली जमा पहनाने के लिए क्या क्या परिश्रम भी देश ने देखा है। आप बड़ी बड़ी घोषणाएं क्यों कर रहे हैं चुनाव आने के समय? बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, कोई कह रहा हम ये कर देंगे, कोई कहता वो कर देंगे, लेकिन जब उनको इस देश के अंदर 55 वर्षों तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, आजादी के 70 वर्षों तक इस देश के गरीबों का बैंक में अकाउंट तो नहीं खुलवा पाए, और आप घोषणा करते हैं कि हम एक गरीब को इतना पैसा देते हैं। मोदी जी ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान कहीं भी लाचार की सामने नहीं आने दी। अगर स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं 100 रुपया भेजता हूं लेकिन एक गरीब तक केवल 80 रुपया पहुंचता है, ये उनकी लाचारी थी। लेकिन मोदी जी कहते हैं 100 रुपया भेजेंगे, डीबीटी के माध्यम से गरीब के खाते में 100 पर 100 रुपया जाता है। ये जो सौ है भारतीय जनता पार्टी सरकार
मनमोहन सिंह बोलते थे कि देश के संसाधनों पर एक वर्ग विशेष का अधिकार है, तो मोदी जी कहते नहीं, इस देश के संसाधनों पर, इस देश के किसानों का, इस देश के मजदूरों का, इस देश के नौजवानों का, इस देश की महिलाओं का और इस देश की 130 करोड़ की जनता का अधिकार है। तब यह ताकत मोदी जी के साथ जुटी हुई दिखाई देती है। अमेरिका के राष्ट्रपति हो, रूस के राष्ट्रपति हो, फ्रांस के राष्ट्रपति हो, जापान के प्रधानमंत्री हो, उस अंतरराष्ट्रीय मंच पर कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को बुलाया जाता हो, यह सम्मान केवल मोदी जी का नहीं, इस देश की 130 करोड़ जनता का है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से अक्सर आपने सुना होगा, उन्होंने कहा होगा देश की योजनाओं का लाभ देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ईमानदारी से मिलना चाहिए। शासन की योजनाएं लोग कल्याणकारी होनी चाहिए, लोग लुभावन नहीं होनी चाहिए। लोग लुभावन योजनाएं कभी किसी का उद्धार नहीं कर सकती, किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकती। लोग लुभावन नारे, लोग लुभावन योजनाओं ने इस देश को इस स्तर पर पहुंचाया जहां पर विश्वास का एक वातावरण बना था और लोक कल्याणकारी योजनाओं का परिणाम है कि आज देश दुनिया के अंदर एक ताकत के रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आपने देखा होगा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर भारत में तरक्की नहीं हो। अब तो देश के अंदर विपक्ष ने एजेंडा तय कर दिया है कि भारत जिस क्षेत्र में प्रगति करेगा, जिसमें भारत को दुनिया के अंदर सम्मान मिलेगा, उसका भी विरोध करेंगे। आपने देखा होगा पुलवामा हमले के बाद हमारे 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए, 72 घंटे के अंदर सरकार ने अपनी कार्य योजना तैयार की, जवानों को कोई छूट दी, सभी आतंकवादी और उसका मास्टरमाइंड मारा गया। आतंकवाद की जड़ कहां तक फैली है, किस बेल कहां तक गई है, उस किस बेल को 10 दिन के अंदर चिन्हित करके और 11वें दिन एयर स्ट्राइक के माध्यम से उन सभी आतंकी कैंपों को नष्ट कर दिया। पाकिस्तान अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत के विपक्षी दलों से जुड़े हुए कुछ लोग इस बात को कहते हैं कि सबूत मिलने चाहिए कि क्या ये हुआ है नहीं हुआ है। पाकिस्तान से बाहर है दुनिया, यानी अपने सेना के शौर्य और पराक्रम पर भी गौरव के अनुभूति लोग नहीं कर पा रहे हैं। उनको ये सब बच नहीं रहा है कि आखिर उनके समय में भी आतंकी हमले हो गए थे 2004 से लेकर के 2014 तक इस देश के अंदर 100 से अधिक आतंकी हमले हुए थे और 900 से अधिक लोग इन आतंकी हमलों की चपेट में मरे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय 7 आतंकी हमले हुए और इन 7 आतंकी हमलों का जवाब 2 सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से और 1 एयर स्ट्राइक के माध्यम से देश ने दिया है, हमारे बहादुर जवानों ने दिया है। और आतंकवाद को जो सख्त कार्रवाई करके जिस तरीके से भारत की ताकत का एहसास भारत के दुश्मनों को कराया है, पूरे भारत के लिए गौरव की बात होनी चाहिए, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, उस पे सबूत मांगी जा रहे हैं। अभी भारत ने मिशन शक्ति अंतरराष्ट्रीय यानी आपने अंतरिक्ष में एक महाशक्ति के रूप में भारत ने अपना एक स्थान बनाया और मिशन शक्ति के रूप में भारत ने वो स्थान दुनिया के अंदर बनाया है। हर भारतवासी को इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, लेकिन विपक्ष के लोग इसके लिए चुनाव आयोग से शिकायत करते हैं कि परीक्षण क्यों करते हैं, भारत को इतना शक्तिशाली क्यों बनाया जा रहा है, अंतरिक्ष की महाशक्ति के रूप में भारत को प्रस्तुत करने का क्या कारण है। यानी इसकी चिंता पाकिस्तान को होती तो माना जा सकता है, लेकिन इसकी चिंता कांग्रेस कर रही है कि भारत के इस कार्यक्रम को दुनिया के सामने क्यों रखा जा रहा है। आप समझ सकते हैं इनकी मनसा, और ये मनसा क्यों इसी क्षेत्र में नहीं,
हर एक क्षेत्र में आप इस कार्य को देख सकते हैं, हर एक क्षेत्र में आप देख सकते हैं। आखिर इस देश को लोग कहां ले जाना चाहते हैं, कैसा भारत चाहते हैं? आजादी के बाद गरीबी भाव के नारे आज के नहीं, 1947 और 48 के देश को का पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बात कही। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बकायदा इसकी घोषणा की थी, इसके लिए प्लान तैयार किया था। स्वर्गीय राजीव गांधी जी भी इसी मुद्दे को लेकर के आगे बढ़े थे। 10 वर्षों पर 2004 से 2014 तक कांग्रेस लगातार इन मुद्दों को बोलती रही, लेकिन क्या कुछ नहीं, क्या कभी कुछ नहीं? जो लोग गरीबी हटाओ की बात करते हैं, उन्होंने गरीब का बैंक में अकाउंट तक नहीं खुलासा है। वे गरीबों को बात करते हैं कि हमने गरीबों के लिए कुछ कार्य किया। पहली बार आजादी के बाद जब मोदी जी ने मई 2014 में शपथ ग्रहण किया, उस समय उन्होंने एक बात कही कि हमारी योजनाओं का आधार कौन होगा? गांव होगा, गरीब होगा, किसान होगा, मजदूर होगा, नौजवान होगा, महिलाएं होंगी, और उसके रूप उन्होंने योजनाएं भी बनानी प्रारंभ कर। एक गरीब के लिए क्या चाहिए? सबसे पहली आवश्यकता इस पर भटने के लिए चाहिए। देश के अंदर विगत 5 वर्ष के दौरान 1.5 करोड़ परिवारों को एक एक घर देने का कार्य केंद्र की मोदी सरकार ने किया है। 9.5 करोड़ परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य केंद्र की मोदी सरकार ने किया है। 4 करोड़ परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने का कार्य मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया। 7 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन देने का कार्य केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया। 13 करोड़ नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में बिना गारंटी के लोन की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया। 12.5 करोड़ किसान परिवारों को, लघु और सीमांत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपए सालाना देने का कार्य मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया। आजादी के बाद किसानों की आमदनी, किसानों को भारत की 1.5 गुना दाम मिल सके, इस देश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आपदा से बचाव करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मोदी जी के नेतृत्व की सरकार लेकर के आई। किसानों की कृषि सिंचाई की क्षमता को बढ़ाई जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना और ड्रिप इरिगेशन की योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई। और इस देश के 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी प्रदान करने की गारंटी आयुष्मान भारत ने किसी ने दी तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री स्टैंडअप योजना हो जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति और महिला उद्यमियों को 1 करोड़ तक का लोन दिलाने की सुविधा, बैंक के प्रत्येक ब्रांच को कि 2 ऐसे उद्यमी या तो अनुसूचित जाति जनजाति का हो या महिला हो, इनमें से प्रत्येक बैंक की ब्रांच को देना है। यह कार्य किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने। स्टार्टअप योजना में अपना स्टार्टअप कोई योग करना चाहता है उसके लिए प्रोत्साहन का कार्य पहली बार आजादी के बाद हुआ। देश के अंदर जिस प्रकार से हमारा नौजवान अपूर्ण प्रतिभा से संपन्न है, लेकिन उस नौजवान को एक मंच मिलना चाहिए था, उसकी स्किल को
मिलना चाहिए था। प्रधानमंत्री स्किल मिशन के माध्यम से करोड़ों नौजवानों को जीवन की नई आशा का दीप प्रज्वलित करने का मौका प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री स्किल मिशन ने पूरे देश के अंदर किया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं के कारण, भारतीय जनता पार्टी सरकार की योजनाओं के कारण दुनिया के अंदर भारत सबसे अच्छा निवेश का गंतव्य बना है। उड़ान योजना के अंतर्गत मुझे लगता है गोरखपुर के लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं, ये गोरखपुर है जिसमें वायु सेवा पिछली सरकारों के समय नहीं चल पाती थी और आज गोरखपुर के अंदर दिल्ली के लिए 3 फ्लाइट चल रही है। आज गोरखपुर से मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु इनमें या तो वायु सेवा शुरू हो चुकी है या वायु सेवा प्रारंभ होने जा रही है। परेशानी क्यों गोरखपुर में, हम लोग जब आए थे प्रदेश में सरकार में तब केवल दो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर दो एयरपोर्ट थे जिनमें वायु सेवा जहां से संचालित और आज 6 एयरपोर्ट हमारे पास ऐसे जहां पर वायु सेवा प्रारंभ 2 वर्ष के अंदर हम लोगों ने किया। 9 ऐसे स्थल है जहां पर एयरपोर्ट को हम विकसित कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हम लोग उत्तर प्रदेश के जीवन में करने जा रहे हैं। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा बहुत ही प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। कैसे शासन की योजनाओं में धंधापान होता आपके सामने में एक उदाहरण होता है। अभी हाल ही में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन संपन्न हुआ, मुझे लगता है आप में से ज्यादातर लोग कुंभ में गए होंगे, नहीं गए होंगे तो हो सकता है आप लोगों ने कुंभ के बारे में सुना होगा। ये कुंभ था, महाकुंभ नहीं था। 2013 में महाकुंभ था तब 12 करोड़ लोग आए थे, 72 से दर्जनों लोग मरे थे। इस बार कुंभ था लेकिन 24 करोड़ से भी लोग इस बार कुंभ में आए, एक्सीडेंट फ्री कुंभ था। लेकिन साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन की झलक कुंभ में देखने को मिली होगी। स्वच्छता का एक मानक भारत के पर्व और त्योहारों के माध्यम से हम दुनिया को दे सकते हैं, कुंभ ने वह आदर्श भी दुनिया के सामने रखा। प्रयागराज सिटी के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से आपने देखा होगा कि कैसे पूरा उसका होने ही बदलकर कर दिया है। आज प्रयागराज की सड़कें चौड़ी आपको मिलेंगी, हम लोगों ने एक वर्ष के अंदर 10 फ्लाईओवर बनाए, 6 अंडरपास बनाए, 264 दैनिक सड़कों का चौड़ीकरण किया, हर चौराहे का सुंदरीकरण किया और 450 वर्षों से प्रयागराज में किले के अंदर अक्षय वट के दर्शन करने का सौभाग्य श्रद्धालुओं को नहीं प्राप्त हो रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुपस्था से यह भी सौभाग्य हमने प्रदेश में देश से आने वाले दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवाया। पहले 1700 हेक्टेयर में होता था, हमने उसको 3200 हेक्टेयर में फैलाया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो या कुंभ के पूरे आयोजन का हो, इस पूरे आयोजन में इसको वैश्विक स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहल की। आजादी के बाद कार्य तत्काल होना चाहिए था। आजादी के बाद पहले कुंभ में 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी आए थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी भी आए थे। और जिस दिन मौनी अमावस्या थी कुंभ के उस पवित्र पर्व पर प्रयागराज में जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री कुंभ के आयोजन में थे, भगदड़ मची थी, 800 से अधिक निर्दोष लोग मारे गए थे। याद करिए कुल संख्या श्रद्धालुओं की आई थी 40 बार, 800 से 1000 श्रद्धालु भगदड़ में मरे थे। इस बार मौनी अमावस्या को भीड़ आई थी श्रद्धालुओं की 5.5 करोड़ और एक्सीडेंट फ्री था, न कोई दुर्घटना हुई, न किसी प्रकार का कोई गंदगी थी और हर व्यक्ति जैसे आया था सब का अपने घर तक वापस गया। ये कार्य अगर हम करने में सफल हुए, 2013 में महाकुंभ था, महाकुंभ के उस आयोजन में मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए, बड़ी श्रद्धा के साथ आए,
और वे इस विश्वास के साथ आए थे कि संगम में स्नान करेंगे, लेकिन कुंभ में और संगम नोच पर उन्होंने जिंदगी देखी, हिम्मत नहीं कर पाए, दूर से प्रणाम करके चले गए। कहा कि क्या यही गंगा है? मात्र 6 वर्ष के अंदर हमें ये आयोजन करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस बार फिर मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए, इस बार उनके साथ उनका परिवार भी था और 400 भारतवंशी या अप्रवासी भारतीय भी उनके साथ थे। स्नान करने का उनकी कोई मंशा नहीं थी क्योंकि विश्वास उनका बहुत था। इस बार जब आए प्रयागराज में पर्याप्त मात्रा में संगम में जल देखा, अविरल और निर्मल गंगा को देखा, तो उन्होंने भी और उनके साथ आने वाले 400 लोगों के डेलीगेशन ने कुंभ में स्नान किया। अपने आप बरसाती को देखने के लिए दुनिया के 71 देशों के राजदूत आए और 193 देशों के उस देश के नागरिक जो यूएनओ के सदस्य देश हैं, उन लोगों ने आकर के कुंभ की व्यवस्था को देखा और कुंभ में संगम में स्नान करके उसका आनंद लिया। हमारे इन सब आयोजनों में खर्च हुआ कुल 4,000 करोड़ रुपए, जिसमें बस फ्लाई ओवर भी बने, 6 अंडरपास बने, 266 की सड़कें बनी, वहाँ के रेलवे स्टेशन, वहाँ का एयरपोर्ट, ये सब कुछ हम बनाए। देश के लगभग हर बड़े शहर के साथ हम लोगों ने एयर कनेक्टिविटी को प्रयागराज को जोड़ा। अक्षय वट तक जाने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था बनाई, सरस्वती कुंड तक जाने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था बनाई, महर्षि भारद्वाज की भव्य प्रतिमा प्रयागराज के अंदर लगाई, मां सरस्वती की भव्य प्रतिमा सरस्वती कुंभ में गिरे के अंदर लगाई। कुल हमारा खर्च हुआ 4,000 करोड़ रुपया, जिसमें कुंभ समाधि की सफाई करने के 1,22,000 से अधिक हम लोगों ने इको फ्रेंडली टॉयलेट भी बनाए थे। और दूसरी ओर 2010 में देश के अंदर कांग्रेस की सरकार में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, कॉमनवेल्थ गेम्स में कार्य 3 वर्ष पहले प्रारंभ हो चुका था, 70,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, कॉमनवेल्थ गेम्स समाप्त हो गए, कार्य पूरे नहीं हो पाए थे, इतनी भीड़ भी नहीं गई थी और देश और दुनिया के अंदर भारत की बदनामी सबक हुई। कुंभ का आयोजन और कॉमनवेल्थ के आयोजन से आप भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और विपक्ष की कार्यपद्धति का अनुमान लगा सकते हैं। कहां जा रहा है कांग्रेस, कहां ले जा रही है इस देश को, लोगों की मनसाएं क्या है इस देश के, आगे अक्षय वट 1947 से क्यों गिरे के अंदर गए था। 1947 से पहले आप मान सकते हैं, पहले मुगलों के शासन में, फिर उसके बाद अंग्रेजों के शासन में देश था, लेकिन 1947 में देश आजाद हुआ। अक्षय वट सरदारों के लिए क्यों नहीं पूछ सकता, इस देश की आस्था का सम्मान क्यों नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये सम्मान, इस आस्था को सम्मान तभी दिया गया जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। वैश्विक स्वरूप तभी आप दे पाए जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। योग की विरासत आपकी हजारों वर्षों की विरासत है और योग को वैश्विक स्वरूप हम तब दे पाए जब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी आए। ये सब क्या है, व्यक्ति की सोच, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र, अपने नागरिकों के प्रति प्रदर्शित करता है। और यही सोच ये केवल वहीं पर नहीं, आज आप देख सकते हैं डोकलाम में चीन आया, डोकलाम की भूमि भूटान की भूमि, भारत और भूटान की पीस एंड फ्रेंडशिप की ट्रीटी इस बात को, भारत को वहां पर सामरिक दृष्टि भारत की दृष्टि महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन चीन ने घुसपैठ करने का प्रयास किया। आपने 5 वर्ष के अंदर चीन की कोई घुसपैठ के समाचार नहीं सुने होंगे, डोकलाम में 2 वर्ष पहले एक समाचार सुना होगा, लेकिन डोकलाम में चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा था और भारत की सेना आज भी डोकलाम में रहकर के मजबूती के साथ न केवल सामरिक महत्वपूर्ण केंद्र पर कब्जा जमाए हुए है, अभी कुछ भूटान को भी सुरक्षा प्रदान करने में सफल है। नॉर्थ ईस्ट में आपने देखा होगा मणिपुर में, मेघालय में, नागालैंड में, त्रिपुरा में,
महीनों बहनों पर लागे होती होगी। वहां पर अलगाववादी संगठन सड़कों पर उतर करके तबाही मचाते थे, तोड़फोड़ करते थे, अराजकता फैलाते थे। सरकारें मौत रहती थी, दिल्ली का खबर भी नहीं आती, जानकारी नहीं होती थी, फुर्सत ही नहीं थी कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी नहीं सोचता। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए, अपने मंत्रिमंडल के एक एक मंत्री को उन्होंने एक एक प्रदेश सौंपा और कहा कि जाकर के वहां जो बैठ करके वापस नहीं आना है, वहां रहना है, जाकर के वहां रुकिए, महीने में कम से कम 3 दिन रुकिए और रुक करके वहां की समस्याओं का समाधान करिए, वहां की विकास को गति दीजिए। क्या परिवर्तन हुआ इस नॉर्थ ईस्ट में? हमने परमिट सिस्टम से जाने की कड़ी मजबूर होना पड़ा। आज उस नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नागालैंड और मेघालय में भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार। और जब वहां के आतंकवादियों ने, वहां के अलगाववादियों ने हमारे अग्निशमन बलों के जवानों पर हमला किया, आपने देखा होगा एक ही सर्जिकल स्ट्राइक में म्यांमार के अंदर घुस करके जितने भी आतंकी कैंप थे सबको एक बार में नष्ट करके पूरे पूर्वोत्तर भारत को हमेशा के लिए शांति का एक नया संदेश दे दिया। देश के प्रति सोच हो, इस प्रकार के दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ व्यक्ति कार्य भी कर सकता है, लेकिन जब सोची नहीं तब सोची इस बात को लेकर के होगी। आपने राहुल गांधी को वक्तव्य सुना होगा, जिस वक्तव्य में अमेरिका के राजदूत से जब मिलते हैं तो कहते हैं मुझे जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन से खतरा नहीं है, मुझे भारत के लोगों से खतरा है। तो व्यक्ति भारत के लोगों से अपने को खतरा महसूस करता होगा। जिन लोगों ने समझौता एक्सप्रेस के नाम पर दुनिया की सबसे सहिष्णु सबसे सदा सहायता का भाव रखने वाली जाति हिंदू जाति को आतंकवाद के साथ जोड़ करके अपमानित और वंचित करने का प्रयास किया हो, ये वही कांग्रेस है, ये विपक्ष के वही लोग हैं। कोई हिंदुओं को आतंकवादी कहता है, कोई राम जन्मभूमि पर आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों के मुकदमों को बेसब्री के साथ वापस लेकर के आतंकवाद को नियंत्रित देने का कार्य करता है। जो लोग इस देश में शासन करने का सपना देख रहे हैं, इस देश की 130 करोड़ जनता के बारे में आखिर क्या सोच रहे हैं, ये मनसा स्पष्ट हो जाती है। और इसीलिए मैं आज आप सब प्रबुद्ध जनों के पास आया हूं और प्रबुद्ध जनों में पहला सम्मेलन में शिक्षकों के साथ ही मैंने करने का निर्णय लिया कि सदस्य कहीं होने के नाते हम सब विपक्ष के द्वारा किए जा रहे चीर हरण के दृश्यों पे मौन नहीं पड़े रहेंगे। हम सबको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा और जिम्मेदारी का एहसास करते समय समाज को जागरूक करने की जिम्मेदारी भी हमारी होनी चाहिए। उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के उस आचार्य की भूमिका में, जिस आचार्य चाणक्य की भूमिका में जब देश अखंड भारत बना था और भारत का स्वर्णकाल आया था, और मुझे लगता है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में जब भारत के स्वर्णकाल आने की अग्रसर है, आपने देखा होगा 2011 में 2014 में भारत दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था थी, 5 वर्ष में भारत दुनिया की 6ठी अर्थव्यवस्था हुआ है, और याद करना आगामी 2 वर्ष के जो रोड मैप बने हैं भारत दुनिया की 3 टॉप की अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। और 3 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का होने का मतलब भारत के नागरिक के जीवन में, प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने, उसके चेहरे पर खुशहाली लाने, उसके जीवन स्तर को उठाने की व्यापक कार्य योजना। आज दुनिया में हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ा है। मुझे याद है अभी मैं 21, 22, 23 जनवरी को वाराणसी में 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हुआ। 7,500 से अधिक अप्रवासी भारतीय और भारतवंशी उस आयोजन में भागीदार बने। उस आयोजन में जब उनकी भागीदारी को मैंने देखा तो अलग अलग ग्रुप अलग अलग 76 देशों से आए थे, तो मैंने उन लोगों से अलग अलग ग्रुप के साथ भेंट होनी थी क्योंकि हम लोग सहयोगी राज्य थे विदेश मंत्रालय के साथ, तो पार्टनर स्टेट होने के नाते हम लोगों ने उनके साथ
बातचीत करना, उनके साथ में परस्पर जो ग्रुप डिस्कशन के साथ हो रहे थे, तो मैंने लगभग सभी ग्रुप के साथ मेरी बैठकें ली। और 3 दिनों तक चलने वाले आयोजन में मैं जिस भी ग्रुप के साथ बातचीत करता था, मैं उससे पूछता था कि भाई क्या परिवर्तन हुआ है, भारत के प्रति दुनिया का क्या नजरिया बदला है। हर एक व्यक्ति बोलता था, इससे पहले जब अपने देश में किसी विदेशी मिशन के कार्यालय में जाते थे तो वहां पर हम लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता, भारत का नाम सुनकर के लोगों की अजीब सी प्रतिक्रिया होती, हम लोग अपमानित महसूस करते थे। लेकिन 2014 के बाद व्यापक परिवर्तन आया है। आज जब हम किसी भी विदेशी मिशन में क्या कार्यालय में जाते हैं तो उनके ऑफिस में जाने पर जब हम लोगों को देखते हैं, हमारा पासपोर्ट देखते हैं, तो कहते हैं आप उस भारत से हैं, पीएम मोदी वाला भारत, यानी भारत के साथ प्रधानमंत्री मोदी का नाम जुड़ना भारत के 130 करोड़ लोगों के जीवन में गौरव का एक नया क्षण प्रदान करने वाला अवसर होगा। और इससे भाइयों बहनों, जब हम लोग आज भारत के सामान्य लोकसभा के सामान्य निर्वाचन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो देश का एक प्रबुद्ध समाज आगे अपनी इस भूमिका के साथ इन चुनाव में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। हमें इस पर भी विचार करना चाहिए। 2 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की बात करो, मुझे सौंपी थी उत्तर प्रदेश के बारे में, यहाँ पर गोलवक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन उत्तर प्रदेश ये वही उत्तर प्रदेश है। मुझे याद है आज आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में चले गएंगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मार्च 2017 की पहली स्थितियां क्या थी। मैं 2014 के लोकसभा चुनाव में भी, 2017 के विधानसभा चुनाव में भी, जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी कार्यकर्ता के साथ इलेक्शन कैंपेन में होता था, कभी उनके घर में जाने का अवसर मिलता था, तो परिवार की महिला सदस्यों के द्वारा एक ही प्रश्न किया जाता था, क्या हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो पाएंगे, क्या हम सुरक्षित हो पाएंगे। वहां का व्यापारी कहता था, क्या हमारी भी सुरक्षा की कोई गारंटी कोई सरकार दे पाएगी। याद करिए 2005 से लेकर के 2017 तक 12 वर्षों तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केरान और कांधला और एक दर्जन से भी कस्बों से व्यापारियों का सामान्य नागरिकों का व्यापक पलायन, क्या संदेश देगा, क्या लगता नहीं था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश उस दौर में जा चुका था जहां एक नया कश्मीर बनने की ओर अग्रसर पश्चिमी उत्तर प्रदेश था। लेकिन आज आप देखते होंगे, समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे, लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनते होंगे, केरला में विगत 2 वर्ष के दौरान कोई घटना नहीं घटी थी, जितने व्यापारी और जितने वहां के नागरिक केरला कस्बे को छोड़कर के वापस चले गए थे, कांगड़ा कस्बे को छोड़कर के जा चुके थे, आज वे वापस आकर के अपना कारोबार फिर से प्रारंभ कर दिए हैं। लेकिन जितने अपराधी और माफिया अफसरना वहां पर थे, या तो प्रदेश से पलायन कर गए, या जेल के अंदर है, या फिर राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल चुके हैं। कोई जगह ऐसे लोगों के लिए नहीं, हमने पहले ही कहा था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार कार्य करेगी और मजबूती के साथ कार्य करेगी। कहीं कोई संदेह नहीं हुआ इसका आटा कौन है और कौन प्रश्न दे रहा है, इसकी चिंता केवल सख्ती के साथ अपराध और अपराधियों के प्रति जो कार्रवाई प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई, आज उसका परिणाम है पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप चले जाए। मैं परसों की घटना बताता हूँ, समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता 6 बार सामने से विधायक, 2 बार प्रदेश सरकार में मंत्री, वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य, देश के प्रतिष्ठित गुर्जर नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह, उन्होंने और उनके 2 पुत्रों ने उससे मिलने का समय मांगा। तो मुख्यमंत्री के रूप में मैं कार्यालय में बैठा हुआ था, मैंने कहा मैं आएगा, मुझे जानकारी मिली कि मैंने मिलने का समय आ रहा है, पता लगा लखनऊ में है, मैंने उनको बुला दिया, मैंने कहा है लाइए, मैंने कहा हो सकता हूँ कि किसी समस्या को लेकर के आए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में क्या हम शामिल हो सकते हैं, मैंने कहा भी ऐसी कौन क्या प्रश्न है, आप इतने प्रतिष्ठित नेता हैं, आप 6-6 बार विधायक रहे हैं, आप विधान परिषद के सदस्य हैं, 2 बार प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ मंत्री रहे हैं,
आप ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, पत्ता बट्टा लड़का बोल रहा, लड़का सांकी का जिला पंचायत का अध्यक्ष रहा है वर्तमान ब्लॉक प्रमुख, उससे बोला कहा कि देखिए साहब हम इसे शामिल होना चाहते हैं, जब हम अपने घर में जाते हैं तो हमारे घर की महिलाएं समाजवादी पार्टी के झंडे को लेकर के कहते हैं क्या तुम गुंडों का झंडा लेकर के चल रहे हो, हमें जानती है क्या गुंडों का झंडा लेकर के चल रहे हो, आखिर बीजेपी ने और योगी जी ने क्या बिगाड़ा है, क्यों उनके साथ आप लोग खड़े नहीं हो सकते? तो मैंने कहा कि ऐसा क्या परिवर्तन आपको दिखा है? आज हमारी बहन और बेटियां किसी भी समय सड़कों पर जाकर के, स्कूल में जाकर के, कॉलेज में जाकर के, विश्वविद्यालय जाकर के, कहीं भी अपना कार्य के लिए किसी भी समय जा सकते, दिन हो रात हो कोई उनको भय नहीं है। यह भय मुक्त वातावरण देने का कार्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और इसको देखते हुए हमारी सरकार की महिलाएं हमें इस बात के लिए अधिकार दी क्या गुंडों का झंडा लेकर के चल रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि झंडे को तिरंजलि लेकर के अच्छा अवसर आया है जब हम भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। आपने देखा होगा ये हमें पता नहीं आ रहा है कि है, लेकिन मैं अन्य जगह नहीं गया, लेकिन उस दिन मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ज्वाइन कराने के लिए जरूर ढूंढ कर गया। मैंने कहा अच्छी मन से, मैंने कहा कोई शब्द, उन्होंने कहा कोई शब्द नहीं, मैंने कहा टिकट, कहा कोई टिकट नहीं, ना आज के ना आगे के, हम केवल इस मिशन में सहभागी बनना चाहते हैं कि हमने इनकी राजनीति की है, लेकिन पहली बार इतनी स्पष्टता के साथ विकास के मिशन को और अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की जो कार्रवाई हो रही है हम इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। ऐसे अनेक क्षेत्रों के लोग हर एक क्षेत्र में इस बात को लेकर के आते हैं। इसे देखा एक न्यूज चैनल, मैं रात्रि को आज से लगभग 2 महीने पहले ही करता, मैं रात्रि को आया ऑफिस से लगभग 10:30 बजे के आसपास आया, मैंने एक न्यूज चैनल को ऑन किया तो उसमें चर्चा चला था, एक रिपोर्टर जाकर के गाँव में जाता है और गांव में जाकर के वहां लोगों से पूछता है किसको वोट दोगे, किसको वोट दोगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भागपत की घटना, भागपत के गांव में जब वह रिपोर्टर रहता है एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कई महिलाएं अलग अलग कार्य कर रही होती हैं, एक महिला के पास जाता है, एक गांव की महिला उनके पास जाता है, कहता है किसको वोट दे, महिला उससे ऊपर से नीचे देखती है और कहती क्या मतलब किसको वोट देंगे, तो वो कह रहे हाँ चुनाव आ रहे हैं किसको वोट देना है, और कहती मोदी को। रिपोर्टर बदले आगे एक और महिला कार्य कर रही थी उसके पास चले गए, हाँ किसको वोट देंगे, तो महिला खड़ी उसने कहा कि मोदी को वोट देंगे। रिपोर्टर फिर फोन वो आगे से निकल गया, फिर एक महिला थी तो तब तक 8-10 महिलाएं इकट्ठी हो गई, 8-10 महिलाएं इकट्ठी हुई तो फिर उनके पास आता है रिपोर्टर से पूछता है किसको वोट देंगे, वो कहते हैं मोदी और योगी को। कहा क्या मतलब, कहा क्या मतलब, पूछना चाहते हो क्या मतलब, हमारी चोरियां सुरक्षित हुई हैं नहीं तो कोई तो उठा के लेके चला जाता था, हम मोदी और योगी को वोट देंगे बाकी किसी को नहीं देंगे क्योंकि सुरक्षा उन्होंने प्रदान की है। एक विश्वास लोगों के मन में, एक भाव कि देश के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं समाज के हर तबके तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है, कोई सोच रहा है इस प्रदेश में? हमने विगत 2 वर्ष के दौरान 2,25,000 से अधिक उत्तर प्रदेश के युवकों को नौकरी दी, एक भी नौकरी में कहीं से लेन देन की शिकायत नहीं आई होगी, और नहीं तो क्या कुछ नहीं होता था प्रदेश में? परिवार के लोग छोड़ा लेकर के वसूली में निकल जाते थे, एक परिवार विशेष के लोग प्रदेश के अंदर इस प्रकार की स्थितियां थी, हर एक मामले में न्यायालय के द्वारा बाधाएं खड़ी की जाती थी, न्यायालय के द्वारा उसको रोका जाता था। जब हम लोग आए थे प्रदेश के अंदर कोई विभाग ऐसा नहीं था जिसमें हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की स्टे न रहे, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि हमारी सरकार ने 2 वर्ष में 2,25,000 से अधिक नौजवानों को प्रदेश में सरकारी नौकरियां प्रदान की। उत्तर प्रदेश जिससे कोई निवेश नहीं करना चाहता, मुझे याद है जब अक्टूबर 2017 में
हमारे औद्योगिक विकास मंत्री, हमारे औद्योगिक विकास आयुक्त और हमारे अन्य अधिकारियों ने मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट होना है, तो मैंने कहा किस नाम से करेंगे? उन्होंने कहा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। मैंने कहा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट? उन्होंने कहा। तो मैंने कहा कितने का निवेश करने का प्रस्ताव है? उन्होंने कहा 50,000 करोड़। तो मैंने उन लोगों को देखा, मैंने कहा उत्तर प्रदेश की आबादी क्या है मालूम है? उन्होंने कहा 23,000 करोड़। 23 करोड़ की आबादी में 50,000 करोड़ का निवेश का मतलब क्या है? कहा 50,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश कभी यूपी में नहीं हुआ। मैंने कहा कि क्या बात करते हैं, हम लोगों को अब तक 7-8 महीने हो चुके हैं और इन 7-8 महीनों में क्या हम कोई संदेश नहीं दे पा रहे? मैंने कहा कि यूपी में कोई आना नहीं चाहता। मैंने कहा चिंता मत करो। मैंने कहा एक अगर 50,000 करोड़ कराना है तो इमाम बदल ग्लोबल नहीं होगा, इसका नाम यूपी इन्वेस्टर समिट होगा। लक्ष्य को कम से कम 2,00,000 करोड़ का। उन्होंने कहा नहीं हो पाया। मैंने कहा आप देखना होगा, इससे कई ज्यादा होगा। उन्होंने कहा आप कहीं चलेंगे? मैंने कहा हाँ, 200 करिए, किसी एक में मैं आऊंगा। मैं 1 करोड़ 100 में गया था मुंबई में। 200 का मतलब ऐसे ही वहां पर उद्योगपतियों के साथ बैठक करने के लिए मैं गया। देश का हर टॉप का उद्योगपति उसने आया था और टॉप का निवेशक उसने आया था। सबके साथ सामूहिक रूप से भी और अलग अलग भी बैठक बात है। आप आश्चर्य करेंगे मैं जिससे बात करता हूं, क्योंकि मेरे सामने खड़े लोग होते। जब मैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का दायित्व तो मुझे अचानक दिया था, मेरे पास कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था। लेकिन आते ही सबसे पहले घटना क्या घटी थी कि डीसीएल उत्तर प्रदेश से अपना पुलिया बिस्तर मांग करके बंगलों से जा रहे थे। दूसरी सैमसंग, उसने 3,000 करोड़ का निवेश प्रदेश के अंदर करने का एक एमओयू साइन किया था। उसने भी अपनी चेतावनी दे दी थी कि हम फाइटअप करके जाना चाहते हैं, प्रदेश के अंदर निवेश नहीं कर सकते। अब आप सोचिए कि ये दो बड़े, एक टाटा ग्रुप से था, एक सैमसंग से था, ये दोनों प्रदेश से जा रहे हैं। तो मैंने मई की घटना है, मैंने पहले टाटा ग्रुप के श्री रतन टाटा को फोन किया। फिर रतन टाटा को मैंने फोन करके कहा, मैंने कहा कि टीसीएस लखनऊ से क्यों जा रहा है? 2,500 लोग इसमें कार्य कर रहे हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे? उन्होंने कहा कि साहब वहां कार्य करने का कोई वो नहीं है। मैंने कहा भी कहा, हम तो निर्णय बहुत पहले ले चुके थे लेकिन अब हमारी मजबूरी। मैंने कहा भी मैं 1 महीने पहले आया हूँ और आज अगर टीसीएस जाता है तो क्या वो ये कहेंगे ना हमारी सरकार के कारण टीसीएस जा रहा है? लोग ये नहीं मानेंगे कि पिछली सरकार के गलत कार्य के कारण भाग रहा है। तो उन्होंने अपने चेयरमैन को वहां भेजा मेरे पास, वे आए मुझसे वार्ता हुई और अंत में श्री रतन टाटा का फोन आया। उन्होंने कहा कि हम टीसीएस को लखनऊ से नहीं ले जाएंगे, टीसीएस लखनऊ में ही रहेगा और आज भी टीसीएस लखनऊ में है। लेकिन जब मैं मुंबई रोड शो में गया था, फिर श्री रतन टाटा मेरे पास आए थे, वहां पर मिलने के लिए आए, उनसे मेरी बैठक हुई। मैंने कहा उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करें आप अच्छा रहेगा। और उन्होंने कहा हम 10 वर्ष पहले पसंद खा के आए थे कि उत्तर प्रदेश में हम निवेश नहीं करें, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश में हम निवेश करेंगे और 25,000 नौजवानों को रोजगार देने के लिए टीसीएस एक नया केंद्र नोएडा के अंदर खोलने जा रहा है। उसका कार्य अंतिम तौर पर उत्थान कर रहा है। सैमसंग जब मैंने पूछा कि क्यों टाइट अप कर रहे हैं, उन्होंने कहा साहब पिछली सरकार ने हमारे साथ जो एमओयू किया था वे हमसे घूस मांगते हैं। मैंने कहा सरकार तो जनता ने उसको ठिकाना लगा दिया, ठीक कर दिया है, अब आप कहीं चिंता कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि लेकिन अभी कुछ कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं। मैंने उसी समय अपने औद्योगिक विकास मंत्री को, औद्योगिक विकास आयुक्त को, संबंधित विभाग के लोगों को बुलाया। मैंने कहा सैमसंग है हमारी पॉलिसी के अंतर्गत जो भी हो सकता है उस पॉलिसी के अंतर्गत इनको 1 सप्ताह के अंदर इनके साथ एमओयू सामने होगा और फिर मंत्री इनके कार्यक्रम में जाएंगे, वहां भूमि पूजन करेंगे और आज 5,000 करोड़ रुपए का दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल बनाने की फैक्ट्री सैमसंग ने उत्तर प्रदेश में लगाई है और उसके उद्घाटन कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और कोरिया के राष्ट्रपति स्वयं आए थे और दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल बनाने की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अंदर है। जब उत्तर
इंटरनेशनल निवेश के कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया। आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे पास 5,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव आए और 1,50,000 करोड़ के प्रस्ताव हम लोग हमारी खरीदा चलाकर एक माहौल देने का। अगर दुनिया के अंदर सबसे अच्छा निवेश का गंतव्य भारत बना है तो भारत के अंदर सबसे अच्छा निवेश का गंतव्य उत्तर प्रदेश बना है। और आज दुनिया और देश का हर बड़ा उद्योगपति हर बड़ा निवेशक उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसे मालूम है शासन की पारदर्शी व्यवस्था, शासन के द्वारा जो कार्य पद्धति अपनाई गई है और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्य पद्धति प्रारंभ हुई है उसके तहत एक विश्वास प्रगा है। निवेशक उत्तर प्रदेश के अंदर आना चाहता है। जो प्रतिभा पलायन का एक सिलसिला प्रारंभ हुआ था देश से भी और प्रदेश से भी, यह थमा है, आज वो वापस आना चाहता है, प्रदेश के विकास में देश के विकास में अपना योगदान करना चाहता है। और ये सारे अवसर है जब हम देश के सामने इन सारे क्षेत्रों को प्रस्तुत कर सकते हैं, तो निर्माण कर सकता है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी प्रदेश में, मई 2014 से मार्च 2017 तक इस सरकार को कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। और इन 2.5 वर्ष के दौरान समाजवादी पार्टी की सरकार ने प्रदेश के अंदर शहरी क्षेत्र में कुल 20,000 आवास सैंक्शन किए और ग्रामीण क्षेत्र में कुल 63,000 आवास सैंक्शन किए। गरीबों को बांटे नहीं, क्योंकि नाम प्रधानमंत्री आवास योजना, पैसा भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों का 60-60% भारत सरकार का, 40% राज्य सरकार का लगना। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने कार्य आगे नहीं बढ़ाया, यानी कुल 2.5 वर्ष के दौरान समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर 83,000 आवास सैंक्शन कर पाई थी, बांट भी नहीं पाई थी। और हमारी सरकार ने 2 वर्ष में 23,82,000 आवास प्रदेश के गरीबों को देने का कार्य किया। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की और 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा जब प्रारंभ हुई थी, हर गरीब परिवार में एक एक शौचालय परिवारों को देना था जिनके पास शौचालय नहीं है, यह कार्य प्रारंभ हुआ। प्रदेश के अंदर 2 वर्ष के दौरान कुल 40,000-40,00,000 शौचालय बन पाए थे। लेकिन हमने 2 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर 2,60,00,000 शौचालय बनाए हैं, हर गरीब परिवार को एक एक शौचालय देने का कार्य किया, 1 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने का कार्य किया। प्रदेश के अंदर 3,55,00,000 परिवारों को राशन का उपलब्ध करवाने का कार्य किया। प्रदेश के अंदर हर एक क्षेत्र में विद्युत वितरण के लिए, आप गोरखपुर में रहते होंगे आपको निर्बाध रूप से विद्युत मिला है, लेकिन ऐसा नहीं कि गोरखपुर में मिला है, आज प्रदेश के सभी 75 जनपदों में बिजली की निर्बाध आपूर्ति इसी रूप में हमारे द्वारा की जा रही है। कोई भेदभाव प्रदेश की बेटी का साथ विकास के मुद्दे पर नहीं किया जा रहा है। और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं। शिक्षक समाज का सजग प्रहरी अगर है, समाज और राष्ट्र का निर्माता है, तो निर्माता की अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए समाज में आज बहुत आगे आया है। और उस दृष्टि से कि वास्तव में देश किसके हाथों में सुरक्षित है, यह देश किन हाथों में समृद्धि को प्राप्त करेगा, यह देश किस तरीके से दुनिया की महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर होगा, और यह कार्य मोदी जी ने 5 वर्ष के दौरान अपने कार्यकाल के दौरान बिना किसी भिगे, बिना हटे, बिना झुके, बिना टूटे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्य को किया है, हर एक क्षेत्र में किया है। और अगर किया है तो मुझे लगता है हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है। नेता का चुनाव और यशस्वी नेता के साथ खड़े होने की हिम्मत समाज के हर जागरूक नागरिक को करना होगा। और जागरूक नागरिक होने के नाते, समाज के निर्माता होने के नाते, राष्ट्र का निर्माता होने के नाते, हर एक नागरिक को जागरूक करने में अगर समाज का या प्रबुद्ध समाज खड़ा होता है, शिक्षक समाज खड़ा हो जाता है, तो सचमुच जागरूक समाज का कोई शोषण नहीं कर सकता, उसका वहां कोई अराजकता के लिए, गुंडागर्दी के लिए,
लूट खसोट के लिए, भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं होगी। और फिर हम कैसा भारत चाहते हैं? देश जब अपनी आजादी के 75 वर्ष मना रहा होगा, 2022 में उत्तर प्रदेश के आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होंगे, केरल जयंती वर्ष में देश कैसा भारत चाहता है? कैसा भारत आप चाहते हैं? एक ऐसा भारत जो आतंकवाद से ग्रसित हो, एक ऐसा भारत जो भ्रष्टाचार से ग्रस्त हो, एक ऐसा भारत जहां की प्रतिभाएं पलायन कर रही हो।